गुल्ली बुल्ली और सोन आज रॉड और बाबा के साथ मिलकर बहुत सारे पटाखे फोड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आज दिवाली है। और सिर्फ पटाखे ही नहीं बल्कि गुल्ली बुल्ली और सोन तो आज अपने घर को भी पूरी तरह से सजाने वाले हैं। इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन ने आज बहुत सारे लाइट्स और दिए भी लाए हैं। वैसे तो हमेशा गुल्ली बुल्ली और सोन सिर्फ बाबा के साथ ही दिवाली मनाते थे, लेकिन आज इन लोगों के साथ दिवाली मनाने के लिए रॉड भी आया है। बाबा कहते हैं चलो गुल्ली बुल्ली और सोन पटाखे लेकर आते हैं, इससे पहले कि सारे दुकानों में पटाखे खत्म हो जाएं। गुल्ली कहता है नहीं बाबा, इस बार हम लोग दुकानों से पटाखे नहीं खरीदेंगे बल्कि पटाखे की फैक्ट्री से पटाखे खरीदेंगे, क्योंकि रॉड एक ऐसे आदमी को जानता है जिसकी खुद की एक पटाखे की फैक्ट्री है। रॉड कहता है हाँ बाबा, और मैंने तो उस आदमी को पहले ही बहुत सारे पटाखे का ऑर्डर दे दिया है, चलिए अब हम लोग उसके फैक्ट्री से सारे पटाखे लेकर आते हैं। लेकिन वो पटाखे की फैक्ट्री तो यहाँ से बहुत दूर है, अगर हम सारे लोग वहाँ पटाखे लाने जाएंगे तब तो रात हो जाएगी और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने घर को भी सजाना है। वैसे भी शाम तो हो ही चुकी है, इसलिए हमें अपने घर को जल्दी सजाना होगा। अब रात होने में ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम सारे लोग पटाखे लाने के लिए नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं तुम्हें ये किसने कहा सोन कि हम सारे लोग पटाखे लाने के लिए जा रहे हैं? एक काम करो, तुम तीनों अपने घर को सजाओ, तब तक रॉड और मैं पटाखे लेकर आते हैं। ये कहकर थोड़ी देर में रॉड और बाबा पटाखे लाने के लिए चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन भी अपने घर में लाइट्स लगाना शुरू करते हैं। पता नहीं इन लोगों को अपने घर को सजाने में कितना टाइम लगेगा। गुल्ली तुम जाकर घर के अंदर से दिए लेकर आओ, तब तक बुल्ली और मैं मिलकर लाइट्स लगाते हैं। और फिर थोड़ी देर में ये लोग अपने घर को लाइट्स, दिए और रंगोलियों से सजा देते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ जाने लगते हैं, लगता है ये लोग सोन से कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही ये लोग सोन के पास पहुंचते हैं तभी सोन कहता है गुल्ली बुल्ली अभी तक रॉड और बाबा पटाखे लेकर क्यों नहीं आए, हमने तो अपने घर को सजा भी दिया। वैसे एक बार तुम दोनों पीछे पलट कर देखो, हमारा घर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर को देख ही रहे थे कि तभी अचानक सोन के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है। सोन तुरंत ही कॉल उठाता है और बातें करने लगता है। गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे थे कि इस समय सोन के पास किसका कॉल आया होगा। तभी सोन फोन रखता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है चलो जल्दी गुल्ली और बुल्ली, बाबा ने हमें पास वाले पार्क में बुलाया है। गुल्ली कहता है लेकिन क्यों सोन, बाबा ने हमें वहाँ क्यों बुलाया? बुल्ली कहता है चलो ना गुल्ली, बाबा से ही चलकर पूछ लेते हैं। यह कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन पास वाले पार्क में जाने लगते हैं। इधर रॉड और बाबा पार्क में जीप रोककर सारे पटाखे जीप से बाहर निकाल कर रख दिए हैं। पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी रॉड कहता है बाबा हम लोगों ने गुल्ली बुल्ली और सोन को यहाँ बुलाकर सही किया ना? बाबा कहते हैं हाँ हाँ रॉड, हमने बिल्कुल सही किया है, अब आने दो गुल्ली बुल्ली और सोन को। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन पार्क में रॉड और बाबा के पास आ जाते हैं। यहाँ आते ही ये लोग देखते हैं कि सारे पटाखे नीचे रखे हुए हैं। ये देखकर गुल्ली बाबा से कहता है बाबा ये सब क्या है, आप लोगों ने ये सारे पटाखे नीचे क्यों रखे हैं और आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? बाबा कहते हैं अरे गुल्ली, रॉड और मैं ये सारे पटाखे लेकर आ ही रहे थे कि तभी अचानक से तुम लोगों की ये जीप खराब हो गई। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग धक्का लगाकर इस जीप को तुम लोगों के घर लेकर जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता। तभी मुझे याद आया कि गुल्ली और बुल्ली तो अपनी जीप को खुद ही ठीक करना जानते हैं, तो क्यों ना उन लोगों को ही यहाँ पे बुला लिया जाए। तभी रॉड ने मुझसे कहा कि जब गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ आ जाएंगे तो पहले हम लोग ये सारे पटाखे इस पार्क में ही फोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस जीप को ठीक करके घर चले जाएंगे। तो मुझे रॉड का ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुला लिया। गुल्ली बाबा से कहता है लेकिन बाबा इस जीप को ठीक करने के लिए तो हमें इस जीप को हमारे गैराज में लेकर जाना होगा, क्योंकि जीप ठीक करने का सारा सामान हमारे गैराज में रखा हुआ है। रॉड कहता है अच्छा तो कोई बात नहीं गुल्ली, पहले हम लोग ये सारे पटाखे फोड़ लेते हैं, उसके बाद हम सारे लोग मिलकर इस जीप को धक्का लगाकर तुम लोगों के गैराज में ले जाएंगे।
हाँ गुल्ली बुल्ली, रॉड बिल्कुल सही कह रहा है, जीप को तो हम लोग बाद में भी गैराज में ले जाकर ठीक कर सकते हैं। वैसे पटाखे भी हम लोग बाद में फोड़ सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। बुल्ली कहता है चलो तो फिर देर किस बात की, पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉड एक बड़ा वाला स्काई शॉट जलाता है। रॉड के बाद बुल्ली पटाखे फोड़ता है। ये लोग पटाखे फोड़ ही रहे थे कि तभी अचानक यहाँ पे एक खतरनाक सा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और ये कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर पटाखे फोड़ने की, ये पूरा इलाका मेरा है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ तुम लोग वरना अच्छा नहीं होगा। मॉन्स्टर की ये बात सुनते ही बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं पटाखे तो हम लोग यहीं पर फोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। अगर तुम लोगों का इतना ही मन है यहाँ पे पटाखे फोड़ने का तो मेरी एक शर्त है कि मैं भी तुम लोगों के साथ पटाखे फोड़ूंगा। ये बात सुनकर बाबा कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं ठीक है तुम हम लोगों के साथ पटाखे फोड़ सकते हो लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। मॉन्स्टर कहता है कौन सा काम? बाबा पीछे मुड़कर कहते हैं ये जीप खराब हो चुकी है इसलिए तुम्हें इस जीप को धक्का लगाकर हमारे घर तक लेकर जाना होगा, हमारा घर पास में ही है। ठीक है मैं तुम लोगों का ये काम करने के लिए तैयार हूँ, पटाखे फोड़ने के बाद मैं इस जीप को धक्का लगाकर तुम लोगों के घर पहुँचा दूंगा, तो क्या अब मैं तुम लोगों के साथ पटाखे फोड़ सकता हूँ? रॉड और सोन मॉन्स्टर से कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुम हमारे साथ पटाखे फोड़ सकते हो। और फिर ये लोग फिर से पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबा 9 शॉट्स वाला स्काई शॉट जलाते हैं। ऐसे ही ये लोग सारे पटाखे फोड़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आ रहा है। पटाखे फोड़ने के बाद ये लोग इस मॉन्स्टर से अपने जीप को धक्का लगवाकर गुल्ली बुल्ली के गैराज में ले जाएंगे और इस तरह से गुल्ली बुल्ली सोन बाबा और रॉड के साथ साथ ये मॉन्स्टर भी दिवाली मना लेता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।